गाइस, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दो सिंपल सी आसान सी एक्सरसाइजेस जो आपकी आई पफिनेस को बिल्कुल दूर कर देगी। बहुत सारे लोगों की आई पफिनेस की इस तरह से प्रॉब्लम होती है, या तो वो टेम्परेरी होती है या बहुत लोगों की आईज इस एरिया से बिल्कुल स्वेल्ड रहती है, जिससे कि उनका फेस बहुत ज्यादा डल लगता है और बहुत अजीब लगता है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो हो जाता है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझे अपनी इस तरह की पिक सेंड करी है, जिसके ऊपर कहा कि प्लीज वीडियो लेकर आए ताकि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आज आप ही की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बहुत ही आसान सी सिर्फ दो एक्सरसाइज बताऊंगी, जिनको आप पूरे दिन में कभी भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप इसको रेगुलर अपना रूटीन बना लेते हैं तो विद इन अ मंथ आपकी जितने भी आई बैग्स की प्रॉब्लम है, यानी आई पफिनेस की प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन होता है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको फट से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके साथ साथ वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दिया करिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट टाइम कुछ और बेहतर लाने के लिए। इसके साथ साथ आप मुझे अपना ढेर सारा प्यार इंस्टाग्राम पे भी दे सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @ishamehra और फेसबुक पे मेरा पेज है @healthtime। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको अपनी 3 फिंगर्स को इस तरीके से अपनी आईज के डाउन साइड रखना है लाइक दिस, और इसको स्ट्रेच करना है स्लाइटली, नॉट मोर देन, ये बिल्कुल रॉन्ग वे है, स्लाइटली स्ट्रेच करना है। और आपको जो अपनी 3 फिंगर्स का गैप मेंटेन करना है, आप अपनी 1 फिंगर इस तरीके से रखकर देखें अगर वो फिंगर प्रॉपर आ रही है, और देन उसके नीचे से आपने अपनी 3 फिंगर्स को प्लेस करना है लाइक दिस, स्ट्रेच करना है, और उसके बाद आपने राइट साइड देखना है, देन स्ट्रेट, फिर राइट, फिर स्ट्रेट, ऐसे ही हम लेफ्ट साइड देखेंगे, फिर स्ट्रेट देखेंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ, आप भी मुझे सेम तरीके से फॉलो करिए। रिलैक्स, अब हम सेम लेफ्ट साइड देखेंगे और देन स्ट्रेट देखेंगे। जब आप लेफ्ट साइड देख रहे हैं तो आपने 10 सेकंड्स होल्ड करना है, देन फिर आपने स्ट्रेट देखना है, देन फिर आपने राइट साइड या लेफ्ट साइड, हमेशा जब भी आप अपनी आई बॉल को मूव कर रहे हैं तो आपने 10 सेकंड्स का वहां पे होल्ड देना है, देन आपने दोबारा से अपनी आई बॉल से स्ट्रेट साइड देखना है। रिलैक्स, अब हम क्या करेंगे, अब 3 फिंगर्स को सेम, ठीक है, इसी तरीके से प्लेस करेंगे, देन अपसाइड देखेंगे, डाउन साइड, अपसाइड, होल्ड 10 सेकंड्स, डाउन साइड, होल्ड 10 सेकंड्स, अगेन अपसाइड। तो एटलीस्ट आपको उसको 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, जितना मैक्सिमम हो सके आपने करना है, लेकिन ये बोथ साइड करना है, मैं भी आपको 1 साइड करके दिखा रही हूँ, देन सेम आपको अपने अदर आई पे भी इसको प्रोसेस करना है। रिलैक्स, सेम एक्सरसाइज हम करेंगे अदर आई पे परफॉर्म, अगेन 3 फिंगर से स्ट्रेच, 1 हमने जो फिंगर है उसका गैप मेंटेन करना है, स्ट्रेच नॉट मोर देन लाइक दिस, लेफ्ट साइड स्ट्रेट,
रिलैक्स, ठीक है। अब क्या करना है, आपने जब ये दोनों एक्सरसाइज परफॉर्म करी तो आपको खुद से फील होगा कि आपके इस एरिया में बहुत स्ट्रेच फील हो रहा है, तो आपके इस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा, जैसे कि आपके आई पफिनेस और डार्क सर्कल की प्रॉब्लम रिड्यूस होगी, और साथ में आपके जो यहाँ के टिश्यूज, क्योंकि जो हमारी पूरी फेस की स्किन होती है उसे सबसे ज्यादा सेंसिटिव हमारी आई की स्किन होती है, जो बहुत जल्दी डेड हो जाते हैं वहाँ के सेल्स, तो ये सेल्स रिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इन एक्सरसाइज को करने से पहले आपने एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि आपने अपनी ड्राई स्किन नहीं रखनी है, स्लाइटली सा आलमंड ऑयल या कोई भी अंडर आई क्रीम जो आपके पास में है वो आपको यूज करके देन इन एक्सरसाइजेस को प्रोसेस करना है। अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जिसके लिए सबसे पहले अगेन आपको अपने अंडर आई एरिया में ऑयल अप्लाई करना है या कोई भी अंडर आई क्रीम, ठीक है। उसके बाद में अपनी थ्री फिंगर को इस तरीके से यहाँ प्लेस करना है, वन फिंगर के गैप मेंटेन करके, देन आपने उसके बाद स्ट्रेच करना है लाइक दिस, बहुत ज्यादा नहीं, इस तरीके से नहीं, थोड़ा सा, स्लाइटली सा। उसके बाद आपने अपनी थ्री फिंगर्स को इस तरीके से ऊपर रखते हुए ग्रेविटी के अगेंस्ट आपने अपने मसाज देना है, बहुत ही जेंटली 10-15 टाइम्स आपने इस तरीके से बार बार आपने मसाज देना है। जब आपकी स्किन पर ऑयल होगा तो बहुत अच्छे से आपकी स्किन स्मूथली काम कर पाएगी, और जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट इसको इस तरीके से मसाज देंगे तो आपकी अंडर आई एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। अगर आपके रिंकल्स आ रहे हैं, आपकी आईज बहुत ज्यादा धस चुकी है या पफिनेस है तो वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी, इनफैक्ट इससे डार्क सर्कल भी आपके दूर होने स्टार्ट हो जाएंगे। रिलैक्स। अब इसी एक्सरसाइज को हम अपनी नेक्स्ट आई पे प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। गाइज आई होप कि आपको मेरा ये बेहतरीन सा वीडियो बेहद पसंद आया होगा, तो मैं यही चाहती हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस जरूर मुझसे शेयर करें कि आपको इसको फॉलो करने के बाद क्या रिजल्ट मिला। मेरी ये एक्सरसाइज बॉयज एंड गर्ल्स कोई भी कर सकता है, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, तो आप अपने बच्चों को भी एक्सरसाइज करवा सकते हैं। ऐसे ही हमेशा आपके लिए कुछ बेहतर लाती रहूंगी, आपकी जिंदगी को खुशनुमा बनाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, love you all.